संगठन सरकार को लेकर जारी घमासान के बीच सीएम योगी ने आज बुलाई मंत्रिमंडल की बैठक, उपचुनाव की तैयारी को लेकर समीक्षा। सरकार के 16 मंत्रियों को दी गई उपचुनाव की जिम्मेदारी, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव समेत कई अहम मुद्दों पर मंथन। बैठक में सीएम मंत्रियों से फीडबैक ले रहे हैं और आगे की रणनीति पर चर्चा। जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद केशव मौर्य का बयान, केशव मौर्य ने एक्स पोस्ट में लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है, संगठन से बड़ा कोई नहीं, कार्यकर्ता ही गौरव है। बीजेपी में मची रस्साकसी पर अखिलेश यादव ने तंज कसा, कहा भाजपा की कुर्सी की लड़ाई में गर्मी में उत्तर प्रदेश में शासन प्रशासन ठंडे बस्ते में चला गया, जनता के बारे में सोचने वाला बीजेपी में कोई नहीं है। अखिलेश यादव बोले, तोड़फोड़ की राजनीति का जो काम बीजेपी दूसरे दलों में करती थी वही अब काम अपने दल के अंदर कर रही है, इसलिए बीजेपी अंदरूनी झगड़ों के दलदल में धंसती जा रही है। लखनऊ में पंतनगर, खुरमनगर, अरबार नगर समेत कुकरैली नदी किनारे बने मकान अब नहीं तोड़े जाएंगे, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कथित अवैध मकानों के ध्वस्तीकरण के फैसले पर फिलहाल रोक लगाई है। स्थानीय लोगों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और कुकरैल नदी के किनारे रहने वाले लोगों का डर खत्म हो गया, आशियानों को ढहाने जाने की आशंका हमेशा के लिए खत्म हो गई। हम लोगों की बात, वो सब कुछ हमारे फेवर में किए हैं कि हमारा जितना भी घर है अगर रजिस्ट्री है तो वो नहीं हटाएंगे, नहीं हटेगा बिल्कुल। बस थैंक यू सर, थैंक यू सर, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश हूँ। यूपी में योगी सरकार ने टीचरों की ऑनलाइन हाजिरी का फरमान भी लिया वापस, 2 महीने के लिए स्थगित हुआ आदेश। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 2 फैसले वापस लेने पर ली चुटकी, कहा उपचुनाव में हार के डर से योगी सरकार ने लिया यू टर्न। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी, आम आदमी पार्टी ने राहत की उम्मीद जताई। ईडी मामले में तो केजरीवाल को बेल मिल चुकी है पर सीबीआई केस में जमानत की मांग की गई, हाईकोर्ट ने सीबीआई से जवाब मांगा था। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल मामले की तुलना पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के मामले से की है, सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, कोई आतंकवादी नहीं कि उन्हें जमानत ना मिले। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि 3 दिन पहले ही इमरान खान को जमानत मिली, लोगों ने इसे अखबारों में पढ़ा लेकिन दूसरे मामले में उनको गिरफ्तार कर लिया गया, अपने देश में ऐसा नहीं हो सकता। मुंबई एयरपोर्ट पर जॉब के लिए पहुंचे हजारों लोग, बेकाबू हुई भीड़, एयरपोर्ट पर लोडर के 600 पदों के लिए 25,000 से ज्यादा आवेदक पहुंच गए थे। मुंबई के कलीना में एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड में वॉक इन इंटरव्यू देने पहुंचे लोगों को देखकर अव्यवस्था हो गई, कंपनी ने हैंडीमैन के पद के लिए वॉक इन इंटरव्यू रखे थे पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों को देखकर सियासत तेज हो गई है। विपक्ष ने हजारों लोगों की भीड़ को बेरोजगारी के मुद्दे से जोड़ा, सोशल मीडिया पर भी बेरोजगारी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। एमपी की लाडली बहन की तर्ज पर सीएम शिंदे का ऐलान, विधानसभा चुनाव से पहले नई योजनाओं की घोषणा की। 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपये प्रति महीने, डिप्लोमा के छात्रों को 8,000 रुपये प्रति महीना और 21 से 65 साल की महिलाओं को 1,500 रुपये प्रति महीना मिलेगा। जम्मू कश्मीर के डोडा के पंचान भाटा इलाके में एनकाउंटर, 2 जगहों पर सेना का ऑपरेशन, तो वहीं आज अपने पैतृक गांव पहुंच रहे डोडा में शहीद हुए जवानों के पार्थिव शरीर। सोमवार को डोडा के घने जंगलों में संदिग्ध गतिविधि देखे जाने के बाद एनकाउंटर शुरू किया गया, इस दौरान एक अफसर समेत 4 जवान वीरगति को प्राप्त हुए। एलजी मनोज सिन्हा ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं आतंकियों के खिलाफ बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। जम्मू के डोडा में शहीद हुए राजस्थान के 2 जवानों के पार्थिव शरीर जयपुर पहुंचे, हवाई अड्डे पर राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह, अविनाश गहलोत, नेता प्रतिपक्ष ने श्रद्धांजलि दी। शंभू बॉर्डर खुलने के बाद दिल्ली कूच करने की तैयारी में अंदाता, गिरफ्तारी किसानों की रिहाई के लिए और आज कल अंबाला एसएपी ऑफिस का घेराव का ऐलान। हाईकोर्ट के आदेश का आज आखिरी दिन है जिसके बाद शंभू बॉर्डर पर किसानों की हलचल तेज हो गई है। किसान नेता जगदीत सिंह दलेवाल ने ऐलान करते हुए कहा कि हम पहले से ही दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे लेकिन हरियाणा पुलिस ने इस फरवरी में हमें शंभू सीमा पर बैरिकेड लगाकर रोक दिया था। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ड्रग्स तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर आयोजित
क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में ड्रग्स तस्करी को रोकने और तस्करों पर कड़ी कार्रवाई के संकल्प को दोहराया जाएगा। सम्मेलन के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा सभी राज्यों को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के समन्वय से बरामद की गई 2416 करोड़ रुपए मूल्य से अधिक के नशीले पदार्थों को नष्ट किया जाएगा। कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ बयानबाजी को लेकर दी हिदायत। अपमानजनक बयानबाजी करने को लेकर दी चेतावनी। गवर्नर ने आदेश का किया स्वागत। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे आंध्र सीएम आज भी वित्त मंत्री सीतारमन सहित कई मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य के लिए विशेष पैकेज की कर सकते हैं मांग। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में पहुंचे अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए, मैं बैशाखी वाली सरकार के लिए नहीं आया। महेंद्रगढ़ में अमित शाह ने कांग्रेस पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में ओबीसी का आरक्षण बांटकर मुस्लिमों को देने की तैयारी कर रही है, कांग्रेस हरियाणा में भी यही करना चाहती है। हरियाणा में कांग्रेस का हरियाणा मांगे हिसाब अभियान जारी। करनाल सांसद दीपेंद्र हुड्डा आज पूर्व राई और पानीपत ग्रामीण में रहेंगे। हुड्डा बीजेपी की कथित जनविरोधी नीतियों पर युवाओं, किसान और आम लोगों से संवाद कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन की मौजूदगी में नॉर्थ ब्लॉक में हलवा सेरेमनी आयोजित किया गया। बजट तैयारी की लॉक इन प्रक्रिया शुरू होने से पहले हर साल एक पारंपरिक हलवा समारोह आयोजित किया जाता है। ओमान के पास समुद्र में डूबा जहाज। जहाज में बैठे 13 भारतीयों में से 16 क्रू मेंबर्स का अब तक नहीं पता चला। मंगलवार को लगभग 117 मीटर लंबा तेल का जहाज हादसे का शिकार हुआ। 13 भारतीयों के अलावा 3 क्रू मेंबर्स श्रीलंका के हैं और ओमान के समुद्री सुरक्षा केंद्र के मुताबिक तेल के इस जहाज पर पूर्वी अफ्रीकाई देश कोमोरोस का झंडा लगा हुआ था और अभी तक लापता लोगों का पता नहीं लगा। बताया जा रहा है कि टैंकर यमन की ओर जा रहा था, तभी यह दुम बंदरगाह के पास पलट गया। टैंकर के पलटने से जानकारी मिलते स्थानीय अधिकारियों ने खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या के मामले में जांच जारी है। राज्य सरकार की गठित एसआईटी पहुंची दरभंगा, अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया है। हत्या के मामले में दरभंगा पुलिस की जांच में अब तक पता चला है कि मुकेश सहनी के पिता ने 2 लोगों को ब्याज पर पैसे उधार दिए थे। सिक्योरिटी के तौर पर एक शख्स ने अपनी बाइक जीतन सहनी के पास रखी थी। पुलिस का दावा, हत्या वाले दिन अपनी बाइक चुराने के लिए लोग जीतन सहनी के पास पहुंचे थे। कुछ दिन पहले ही कहा सुनी की बात सामने आई है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के पीछे की वजह ब्याज के पैसे और कहा सुनी हो सकती है। बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर से सनसनी, पिता और 2 नाबालिग बेटियों के कत्ल के बाद खौफ में लोग। पुलिस ने सिरफिरे प्रेमी सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि एकतरफा प्यार की वजह से शख्स ने घर में घुसकर तेज धारदार हथियार से हमला किया। हमले में बेटियों की मां भी घायल हुई है। पुलिस के मुताबिक पूरा परिवार छत पर सोया हुआ था, तभी अटैक किया गया। तीसरे हत्याकांड के बाद आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई है। राम मंदिर की सुरक्षा को देखते हुए अयोध्या में अस्थायी रूप से एनएसएनजी कमांडो की तैनाती की गई, जिसको लेकर आज एक टीम पहुंच रही है। एनएसजी की टीम राम मंदिर की सुरक्षा के साथ साथ अयोध्या शहर की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करेगी। आने वाले दिनों में अयोध्या में सिक्योरिटी गार्ड का एक हब बनाया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार के विवादों में फंसे आईएएस ऑफिसर पूजा खेतकर को किया कार्यमुक्त। महाराष्ट्र कैडर के अधिकारी को ट्रेनिंग को रद्द कर दिया गया। पूजा खेतकर को वापस उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एकेडमी बुलाया गया। उन्हें 23 जुलाई तक रिपोर्ट करने को कहा गया। जांच पूरा होने तक वो एकेडमी में ही रहेंगी। नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने आज 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के नाम पंकज कुमार और राजू सिंह है। पंकज कुमार बोकारो का रहने वाला है। मुंबई के वर्ली हिट एंड रन केस में आरोपी मेहर शाह की 14 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत। 7 जुलाई को मेहर की तेज रफ्तार बीएमडब्ल्यू कार से टकराए कर एक महिला की मौत हो गई थी। मध्य प्रदेश के धार में आसमानी बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौत हो गई। घटना में गंभीर रूप से जख्मी एक बच्ची को अस्पताल में भर्ती किया गया है। राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी से आज राहत की उम्मीद। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में रिमझिम बारिश की संभावना जताई।
हिमाचल प्रदेश में कई जिलों में भारी बारिश की आशंका, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। यूपी में भी आज कई जगहों पर छिटपुट बारिश की संभावना। यूपी के गोरखपुर के राप्ती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा, कई गांवों में घुसा पानी। बिहार के अररिया के बाढ़ की वजह से ढहा पुल, फारबिसगंज के अमहारा इलाके में बाढ़ की वजह से पुल ध्वस्त, दर्जनों गांवों के लोगों की बढ़ी परेशानी। असम में भी लगातार बारिश से ब्रह्मपुत्र नदी पूरे उफान पर, नदी में जलस्तर बढ़ने से मूरी गांव इलाके में बाढ़ की स्थिति। यूपी में बाढ़ और बारिश से कई जिलों में हालात बिगड़े, सोमवार को मुख्यमंत्री योगी ने बाढ़ पर समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक, प्रभावित लोगों तक जल्द से जल्द राहत पहुंचाने के निर्देश। यूपी के पूर्वांचल से लेकर अभद तक कई जिलों में बाढ़ का पानी घुसने के लोग पलायन करने को मजबूर, बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण कर रहे लोगों का काम जारी। हिमाचल, उत्तराखंड, यूपी और बिहार के कई जिलों में नदियां डेंजर लेवल के पार, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, पुणे और सतारा में बारिश का रेड अलर्ट जारी।